पत्रस को परमेश्वर ने कहा, क्या तुम उससे प्यार करते हैं? हाँ परमेश्वर करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करता है? हाँ करता हूँ। दूसरी बार फिर पूछा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह के वायदों पर विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और अगर आप रूहें बचाने में परमेश्वर के किंगडम के साथ नहीं, तो ये वायदे भी आपके लिए नहीं। वो कमांड इतनी भारी थी, परमेश्वर ने कहा, पतरस क्या तुम उससे प्यार करते है? हाँ करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करते है? हाँ मेरे मेमनों को चरा। क्या तुम उससे प्यार करते है? मेरी भेड़ों की रख। इसका मतलब अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आप रूहें बचाएंगे, और सिर्फ आशीष लेने के लिए खुदा से प्यार करते हैं तो आपको रूहें बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। इस तरह मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रूहें बचाने में 2004 में, क्योंकि मैं सिर्फ हीलिंग लेने के लिए परमेश्वर के पास आया था। मैं फास्टिंग भी हीलिंग के लिए रखता था, प्रेयर भी हीलिंग के लिए कर रहा था, और अगर मैं जल्दी चंगा हो जाता तो शायद आज यहां बैठा भी ना होता, प्रचार करना दूर की बात होती। परमेश्वर ने मेरे दुख को लंबा कर दिया ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं, और जब मैंने परमेश्वर को जान लिया, हीलिंग साइड पे करके उसको खोजना शुरू किया और रूहें बचानी शुरू की। एक टाइम आया जब मुझे मालूम था कि मेरी हीलिंग होनी नहीं, अब क्या करेंगे, फिर भी रूहें बचाएं। और ये सुप्रीम वर्क, जब ये महानतम कार्य आप अपनी लाइफ में करते हैं, मुझे नहीं लगता आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको नहीं देगा। दया कर जो तुझ पे दया, कितनों पे दया की है आपने? आपको मालूम है आपका पड़ोसी शराब पीता है, आपने एक बार उसको वर्ड नहीं दिया जाके। आपको मालूम है आपका रिश्तेदार जिस प्रॉब्लम में है, आप उसको वचन दे के चर्च में लेके आके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, पर आपने कभी चिंता नहीं की। और परमेश्वर ने कहा, दया कर ता जो मैं तुझ पर दया करूं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया। हिजकिय्याह ने कहा, परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता, 15 साल मेरी उम्र और चाहिए मेरे को, मैं तेरे लिए वफादार रहा हूं, मैंने तेरे लिए ये काम किए, मैंने परमेश्वर तेरी व्यवस्था को कायम किया अपने देश में। मुश्किल के दिनों में कौन सी प्रार्थना है आपके पास करने के लिए? क्या आप ये कह सकते हैं खुदा को कि देख परमेश्वर, इस संडे जो गवाही हुई थी वो लोग मेरे द्वारा मसीह में आए, मैंने उनको बताया था, जो लोग हीलिंग लेके जा रहे हैं परमेश्वर मैं उनको लेके आया था, अब मुझे भी हीलिंग चाहिए, अब मैं बीमार हूं। हम बड़े इंटरेस्ट से आते हैं, अपनी बाइबल उठाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन कभी ये समझते नहीं कि सुप्रीम वर्क हमारा, सबसे महान काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। इसीलिए लिखा, चेले अपना चला चलाया बिजनेस छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए, याकूब और यहूना। उन्होंने ये नहीं कहा, परमेश्वर में हिसाब किताब तो करने दे, कुछ लोग तो ठहरा लें, हम उसको अपॉइंट तो कर लें अपनी जगह, ऐसे कैसे आ जाए तेरे पीछे। यीशु मसीह के काम के लिए, उसकी सोल सेविंग के लिए कुछ भी चला जाए, उसका 1000 गुना बदला आपको मिलता है हमेशा। एक औरत ने यीशु मसीह के पांव के ऊपर 200 दिनार, यानी आज की वैल्यू अगर लगाएं आप तो लाख रुपए का इत्र, लाख रुपए का एक परफ्यूम लेके उसके पांव पे उंडेल दिया। और एक चेला जो चोर था बोला, अगर गरीबों को दे देते थे अच्छा होता। यीशु मसीह कहते, गरीब सदा रहेंगे, जो मेरे साथ हुआ इसको याद किया जाए। कि मेरे पांव पे उंडेली कोई महंगी चीज, तुम्हारी इंजीनियरिंग, तुम्हारी डॉक्टरी, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, अगर तू उंडेल देगा मेरे पैरों पे तो याद की जाएगी, ये व्यर्थ नहीं होगी। और बाद में यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, जो तुमने माता पिता भाई बहन खेत मजदूर बिजनेस जो कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तुम्हें 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। क्या आपका प्राइम वर्क है ये? क्या सुप्रीम वर्क है ये? क्या रूहें बचाने का आपके अंदर है ये कि मैंने लोगों को बचाना है, मैंने एफर्ट करके जाना है, स्पेशल जाना है? जाएंगे तब ना जब खुद दारू छोड़ी होगी, तो रिश्तेदारों को तो पता है कि अभी खुद तुम दारू पीते हो। इसलिए मैंने कहा, अगर अपनी गवाही पूरी होगी तो आप लोगों को बता पाओ। अपनी गवाही पूरी रखो, उसके लिए लड़ो, फाइट करो अपने शरीर के साथ।
और उसके बाद जब आप टेस्टिमनी देने के लिए जाएंगे, आप बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, अब परमेश्वर तुम्हारे लिए ये कर सकता है। मेरा ये बिलीव है आज परमेश्वर आपके लाइफ को सुधारेगा, आपके टूटे जालों को वो सुधारेगा और आपको मछलियां पकड़ने वाले वो बनाएगा। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची।